बोलते हैं वो जो वाइट वाइट बैठे हुए हैं, हाँ बगुला बोलते हैं उसे, बगुला। सॉरी अकबर को पता है यार, हमें तो याद ही नहीं आ रहा था ये इसे क्या बोलते हैं। ये बगुले आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं पानी की वजह से। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और आपके पेट्स भी ठीक होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर 133। और ये हमारे बर्ड्स जो देख सकते हैं काफ़ी सारे मिलते हैं, और ये हमारे बजरी तोते काफ़ी ज़्यादा चहचहा रहे हैं, और हमारा मिट्टू भी काफ़ी ज़्यादा भूखा है क्योंकि बहुत देर से शाम से इसे फीड नहीं दिया हमने। वैसे तो रखते थे इसके केज में, लेकिन आज हमने कुछ रखा नहीं है, सुबह हो चुकी है तो ये काफ़ी ज़्यादा चहचहा रहे हैं। आज उन्होंने सुबह ही हमें जगा दिया है, शायद इतनी ज़्यादा आवाज़ें करते हैं हमारे बजरी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें करते हैं गाइस। तो हमारे फिंचेस भी, फिंचेस की केज में पानी वानी नहीं है, इसमें भी पानी वानी रखना है, फीड तो है वैसे। वैसे बजीज की केज में फीड वीड नहीं है, बस थोड़ी सी फीड है साइड में, वो तो थोड़ी सी लेर है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी भूखे हैं और हमारे कबूतर भी भूखे हैं। और आप लोगों को एक अपडेट देनी है तीतर के बारे में, कल गए थे तीतर लेने के लिए, तो गाइस वहाँ पर तीतर के बारे में कुछ खास सौदा हो नहीं पाया था, परचेज़ कर नहीं पाए थे क्योंकि भाई ने बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता दिया था, केज भी नहीं थी हमारे पास। केज भी ले रहे थे, उन्हीं से केज ले रहे थे, लेकिन उन्होंने केज का इतना ज़्यादा प्राइस बता दिया कि भाई की पूछिए मत। तो जो मतलब सीनियर सिटीज़न थे उन्होंने बोला आप इतनी जल्दी ना करिए, अभी कहीं और चलते हैं, वहाँ पर आपको दिला देंगे। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनकी बात भी मानना हमें थी, तो इसलिए हम वापस चले आए थे क्योंकि वहाँ पर तीतर हमें मिल तो रहे थे लेकिन बढ़िया क्वालिटी में नहीं थे जो, तो इसलिए हम वहाँ से चले आए थे। और फिर हमने उसका ख्याल अभी तक छोड़ा है, अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं है कुछ। तो सबसे पहले अपने बजीज और अपने तोते पैरट को और अपने पिंचेस को देते हैं फीड, और कबूतर को भी देते हैं फीड। हमारी भैंस भी बनी हुई है, आज हमारा बकरा नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया, उसको भी देनी है। तो सबसे पहले पिंचेस को और बजीज को और पैरट को फीड वीड पानी वानी सब कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। अपने कबूतर भी बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, और बहुत ही सॉरी प्यासे तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने कल ही पानी चेंज कर रहा है, और भूखे तो बहुत ही हैं क्योंकि आज सुबह मम्मी पापा उठे नहीं है, तो वही सुबह फीड डाल लेते हैं, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे अब आज हम ही डालने की कोशिश करेंगे और हम ही डालते हैं, और आज आपको उनकी संख्या भी दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, सब नीचे जैसे आ रहे हैं, जैसे ही फीड डालेंगे सब नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें देते हैं फीड, चलते हैं फिर कबूतरों के पास और भैंस की दिखाते हैं क्या उसकी स्थिति है और कब वो बच्चा देने वाली है। तो गाइस आप लोग वीडियो बने रहिएगा, लास्ट जरूर देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे परंदरों की फीड रेडी हो चुकी है, हमारे फिंचेस की भी फीड रेडी है, पानी वानी सब रख दिया है। हमारा मिट्टू भी आप ये देख सकते हैं अपना सेब बड़ी आराम से चाव से खा रहा है, दूसरा में सब्जी रखी है लेकिन उसको छुआ नहीं मिट्टू, सेब को ही खा रहा है। और हमारे बजीज भी अब बढ़िया तरीके से फीड कर रहे हैं, आराम से फीड कर रहे हैं, और हमने आज थोड़ी सी दवा भी दे दी है इन्हें, काफ़ी दिनों से दी नहीं थी दवा, तो आज हमने दवाई इन्हें दे दिए। तो अब चलते हैं बाहर और वहाँ पे हमारे पिजन क्या कर रहे हैं आपको पूरी पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हमने ले लिए पिजन की फीड, गेहूँ ले लिए और रोटी भी ले लिए, और एक कुत्ता आया था, कुत्ता चला गया जैसे ही हमें देखा है। और आपको दिखाएंगे हमारी भैंस भी ये बंधी हुई है यहाँ पर, और ये भी फीड इट कर चुकी है, इसको भी दिखाते हैं क्या इसने फीड करा है और क्या इसने खाया है आज। तो ये हमारे साथ बच्चा है, इसका बच्चा इसी के साथ रहता है, कहीं जाता भी नहीं, और ये देख सकते हैं कैसे गुस्सा कर रही है, और जैसे इसको हम कुछ करते हैं जैसे ये गुस्सा करने लगती है, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यार है ये आप इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। और इसी दिखाते हैं फीड में क्या रखा है, और हमारे कबूतर भी ऊपर बैठे हैं, जैसे हम दाना डालते हैं वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो गाइस देखते हैं इसकी फीड में क्या है। तो आप ये देख सकते हैं इसने पूरी फीड ख़त्म कर दी है, पूरी फीड खा डाली है, और ये बच्चा हमारे साथ इसमें देखने की कोशिश कर रहा है, और इसे क्या लगा है भाई, ये क्या है, कुछ शायद कुछ लगा है, कोई बात नहीं है, वो कहीं झाड़ाड़ में गया होगा तो लग गया होगा इसे। तो ये अब हमारी भैंस बहुत ही जल्द बच्चा देने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा भाई गोबर हक के रखा है इसने, ये देख सकते हैं चारों तरफ गोबर ही गोबर है, और फीड बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और बहुत ही जल्द बच्चा देने वाली है हमारी भैंस, और आपको दिखाएंगे उसका भी बच्चा। फिर हमारी फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाएगा, और इसकी फैमिली में 3 मेंबर हो जाएंगे, हमारी फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाएगा। तो कबूतरों को अपने बुलाते हैं और डालते हैं फीड। आओ 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 आओ। कबूतर उतर क्यों रहे हैं भाई, पता नहीं क्या हुआ है। आओ 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 आओ
ओ सॉरी, क्या दाना वाना पहले से रखा है क्या यहाँ पे? दाना वाना तो नहीं है, ऐसे ही है, पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। कबूतर उतर क्यों नहीं रहे पता नहीं, देखना होगा। आओ 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 भाई, ये कबूतर नहीं उतर रहे हैं आज हमारे। आओ आओ, लेकिन बाहर तो निकलने लगे। आओ 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 भाई, ये कबूतर हमारा बूटा करा है बहुत ही जल्द, इसी फिर से अंडे दे देगा, क्योंकि इसने इसके अंडे हमने चेंज कर रखे हैं, दूसरे के नीचे रख दिए हैं। आओ 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 आओ, तो इंतज़ार करते हैं कुछ देर का, कैसे क्या क्या उतरते हैं। तो ये फिर से अपनी लॉफ्ट में चला गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो आज सुबह तो उतर चुके थे, हमने देखा भी था कि सुबह ये उतर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। आओ 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 आओ, और थोड़ा इंतज़ार करते हैं तब तो बैठते हैं। और फिर ये हमारा सबसे पुराना कबूतर निकल रहा है, ये सबसे पुराना कबूतर हमारा। आओ 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 आओ, और थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कैसे उतरते हैं क्या नहीं उतरते हैं। दोस्तों अभी तक हमारा एक भी कबूतर नहीं उतरा है, ऊपर कबूतर फड़फड़ा रहे हैं भाई, काफ़ी देर हो चुकी है हमें नीचे बैठे हुए और एक भी कबूतर नहीं उतर रहा है। और मम्मा से पूछा कबूतर क्यों नहीं उतर रहे, तो मम्मा ने बोला कल का दाना इतना पड़ा होगा कि वो सुबह उतर के खा चुके होंगे, तो इसलिए नहीं उतरे हैं कबूतर। तो कोई बात नहीं, चलो वेट करते हैं फिर से, हमने दाना वाना तो डाल दिया, नहीं उतरेंगे तो बाद में जब भूखे होंगे तब खा लेंगे आके। तो आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या होता है, उतरते कि नहीं उतरते हैं, तो जैसा होगा वैसा आप लोगों को बताते रहते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये देख सकते हैं नरजिस का घोड़ा भी आ चुका है और अकबर का घोड़ा वहाँ पे खड़ा हुआ है, और तब तक हमारा एक कबूतर उतर भी आया है। और ये नरजिस का घोड़ा देख सकते हैं, और मम्मा ने बताया कि कबूतर खाना दाना वाना खा चुके हैं, और ये भूखा कबूतर काफ़ी तेज़ी से दाना खा रहा है। अकेला हमारा ज़रूरतमंद कबूतर है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था जब हमने लिया था, क्योंकि हमारे पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि हम परचेज़ कर पाते, और हम कबूतर सेल करने गए थे तब हमें ये दिख गया था कबूतर। उसके बाद हमने ये कबूतर परचेज़ कर लिया था भाई से, उन्होंने वहाँ भी बार्गेनिंग बहुत हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है मार्केट में। तो भाई एक भाई आए, उन्होंने बोला कि भाई हम 700 का दे रहे हैं, तो वो भाई लेने लगे मेरे हाथ से, बोला हम हाँ कबूतर नहीं दे सकते, ये बिक चुका है 500 का। तो बोला कुछ नहीं है यार, पैसे हमसे बढ़ती ले लो, बोला हम मेरे को ये कबूतर पसंद है भाई, हम नहीं लेंगे। तो फिर हमने ये कबूतर ख़रीद लिया था, और हमारी गिल्लू फिर से भी आ चुकी है वहाँ पे, और कबूतर हमारा काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तो ये अब नरजिस का घोड़ा भी आ चुका है, और अकबर का घोड़ा वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन अकबर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई चलिए कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है कि कभी इधर कभी उधर। तो ये हमारा कबूतर अब अकेला दाना वाना खा रहा है, और गिल्लू भी अब साथ में है। ये देख सकते हैं गिल्लू की जो हमने बात बताई थी, वो खाने की तरीका, ये गिल्लू का खाने का तरीका ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है हमें। और भाई तालाब में काफ़ी ज़्यादा बतखें पड़ी हुई हैं, और क्या बोलते हैं उसको, भैंसें भी नहा रही हैं, और बतखों की आवाज़ है, और काफ़ी ज़्यादा वो बैठे हुए हैं, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ, ओ याद नहीं आ रहा है, उन पक्षियों को क्या बोलते हैं, वो जो वाइट वाइट बैठे हुए हैं, हाँ बगुला बोलते हैं उसे, बगुला। सॉरी अकबर को पता है यार, हमें तो याद ही नहीं आ रहा था ये इसे क्या बोलते हैं। ये बगुले आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं, पानी की वजह से बैठे हुए हैं, और ये लंबे वाले बगुले हैं, वाइट वाले बगुले। कुछ हो बगुले होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर सा हल्का वो होता है, ऊपर कलर होता है रेडिश टाइप का होता है, लेकिन ये बगुले नहीं होते। पीछे की चोंच टाइप या बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन इन्हें इनके नहीं हैं, जो ये बैठे हुए हैं बाहर जो तालाब के पास आए हुए हैं। और बत्तखें भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं तालाब पर। और ये हमारा एक ही भैया कबूतर उतरा है अभी, बाकी कबूतर नहीं उतरे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई कबूतर उतरा, किसी ने भी दाना खाया, हमने दाना डाला, और गिल्लू भी साथ में है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। तो आप देखें तो क्या सीन रहता है दोपहर का, हमारा क्या सीन रहता है, कबूतरों का क्या रहता है। और बहुत ही जल्द हम कबूतर सेल करने वाले हैं, हमने वीडियो भी बनाई है और नंबर भी दे दिया है अपना, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर होगा। तो जिस भाई को जरूरतमंद कबूतर चाहिए हो, गोला कबूतर चाहिए हो, फुलसरे कबूतर चाहिए हो, सिराजी कबूतर चाहिए हो, तो भाई हमसे संपर्क करें और हम उसे अवेलेबल करा देंगे। तो धीरे धीरे हमारा ये भी कबूतर उतर आया है, और धीरे धीरे हो सकता है और भी कबूतर उतरने शुरू हो जाएंगे। आओ 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 आओ। तो भाई दो ही कबूतर उतरे हैं अभी तक, तो आपको भी दिखाते हैं कितने कबूतर और नीचे आ जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं छत पर, क्योंकि कोई भी कबूतर आज नीचे नहीं उतरा है हमारा, और सब कबूतर यहीं पे हैं, और भैया की छत पर हैं कुछ कबूतर, और दिखाते हैं सब कबूतर यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। ये सारे कबूतर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और
पानी तो पॉट में हमने कल ही भरा था, और ये देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं। और अंदर का आपको मुआयना कराते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं। और ये भाई कबूतर, ये अंदर कबूतर, अंडे वंडे सब बढ़िया तरीके से रखती हैं। ये भी अब अंडे रखने वाली मादिन, वो भी 1, 2, 3, 4, 5 पेयर ने अंडे रख दिए हैं, और अभी शराजी ने अंडे नहीं रखे हैं। और भाई ये एक बच्चा है और एक ये बच्चा है। तो सारे कबूतर यहाँ पे हमारे, ये सब, और ये मादिन अंडा जल्द ही जल्द रख देगी उधर वाली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।